तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का वैवाहिक अनुष्ठान इस त्यौहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है। इसमें दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा एवं दूल्हा शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की भी परंपरा है। घर में मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रतिभोज का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद शादियों के शुभ मुहूर्त की आरंभ हो जाता है। तुलसी का यह पवित्र पौधा अधिकांशतः सभी हिंदू घरों में होता है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में तुलसी विवाह कब है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह को द्वादशी तिथि के आरंभ होने के बाद और समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। वर्ष 2022 की द्वादशी तिथि 4 नवंबर को शाम को 6:08 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:06 पर समाप्त होगी। इसलिए साल 2022 में 5 नवंबर दिन शनिवार को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। वैसे तो तुलसी विवाह की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में दर्द। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति आ गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु का श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब
हिसाब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी विवाह के पूजन की संपूर्ण पूजा विधि पर वीडियो मैंने पूर्व में बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं।